अभी हमें बागेश्वर धाम में, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित गढ़ा नामक स्थान पर है और छतरपुर रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ के प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिनका आज दरबार लगने वाला है। इतने सारे भक्त शास्त्री जी की राह देख रहे हैं, तो चलिए आज हम दिखाते हैं कि गुरु जी दरबार में क्या बोलते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें। आज के बाद तुम हमसे मत जुड़ो। किससे जुड़ो? जोर से बोलो ना। बागेश्वर, कौन कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का? पक्का? जोश में कि होश में? हमेशा के लिए? जाओ, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। दो महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। एक बात और याद रखना, कल भी हमने बोला था, ऐसे जल्दी तो नहीं है तुम्हें? कौन सा तुम्हें रोटी है बनाना? अब बनी बनाई खाओ। अब तो ट्रेन ही चली गई, अब क्या टेंशन है? अब तो बैठो। हाँ तो बैठो। तो सुनो पागलो, चित्र से कल्याण नहीं होना है, बालाजी के चरित्र से कल्याण होना है। चित्र से चमत्कार होता होता तो फोटो बनाने वाला बहुत अमीर होता, चित्र से चमत्कार होता तो प्रिंटिंग मशीन को चलाने वाला पहले ही पूरा चमत्कार घर पे रख लेता, तुम्हारे पास ही नहीं आने देता। इसलिए याद रखो, चित्र से नहीं बालाजी के चरित्र से चमत्कार होना है। और धन है वीर बजरंग बली, कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ साधन कम है, जगह कम है, साधना बहुत ज्यादा है। स्वरूप बड़ा तेज है, जो आते हैं रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अद्भुत झांकी है। 12 साल से तो हम दरबार में बैठ रहे, 40 साल हमारे दादाजी बैठते रहे, सन्यासी बाबा बैठते रहे। तीनों पीढ़ियों में हमने एक ही बात निकाली है आज तक। खाली झोली लेकर के आए हो, यहां से झोली भरकर लेकर गए हैं। जाओ, तुम भी भरकर लेकर के ही जाओगे। तुम नारियल बांधो, परिक्रमा लगा लो, पेशी करना प्रारंभ कर दो, और पर्चा भी एक ना एक दिन तुम्हारा बन जाएगा। क्योंकि आए तो तुम पर्चे के चक्कर में हो। वो भी बनेंगे, करना ही क्या है, बाद में गया, बन जाएगा यार। हमारा जो होना होगा सो होगा, तुम्हारा भला हो जाए। और ऐसा दरबार जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, एक ऐसा दरबार जहाँ की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 8 मार्च 2024 को कौन कौन आ रहा महाशिवरात्रि को? पक्का? पक्का आ जाओ। 151 बेटियों का विवाह है उस दिन। रात की 1 बजे से आते हैं। खैर, हम तो 12 साल से यहाँ हैं, कोई नई बात थोड़ी है। हमको तुम्हारे इंतजार में 12 साल से हैं यार। तुम आ जाए हो, बहुत देर कर दी यार, 11 साल पीछे आए तुम तरह। कल ही आए ना, 1 बजे रात से बैठे। बताओ, हम 12 साल से तुम्हारे पेट में थे, आज मिले सजना। रात के 3 बजे तुम ही ना जगाओ तो हमें। हम समझ गए, खुरा पाती तुम ही हो, जब तो तुम्हारा इंतजार करते रहे। चलो दरबार लगाए हैं, जो शुरू कर दें।
बेटा खा लो प्राण, हड्डियां मर बची बेटा बेई खा लो। बोलो बोल। हाँ सीताराम बेटा, जी भाई साहब, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी के रूप में है। अब देख भाव भैया माइक, और यही हम बड़ा दो जोड़ बटन अब पकड़े हो, यही बटन तान दो तलक तेज, सही बटन है, सही पकड़ा, थैंक यू वेरी मच। तो अब देखो तेज आई, मतलब कान सही है हमारे, इतना ही गड़बड़ा है। बोलो जय सिया राम। अच्छा हो गया, लाइट भी आ गई है, तुम लोग भी दिख रहे, दांत निकाले हुए, 3200 दांत निकाले। एक बार दो आदमी लड़ रहे थे आपस में, कुछ लोग वहां खड़े भी थे, एक आदमी बोला हम तुम्हें एक मुक्का मारेंगे तुम्हारे 64 दांत गिर जाए, तो बगल में एक आदमी बोला 64 होते ही नहीं, 32 होते हैं। अरे बोले हमें पता था कि हम ऐसा बोलेंगे, तुम बोलोगे बीच में, तो 32 इनके 32 तुम्हारे। दांतों की भी अपनी अलग कहानी है, ये दांत भी बड़े अद्भुत हैं, दांत जीव के बाद आते हैं और पहले ही चले जाते हैं, जीव के बाद आते हैं। हम कहना तो वही चाह रहे हैं, समझ में आवे चाहे ना आवे, बात ये हम कहना चाह रहे हैं, दुनिया में जो पहले आता है वो हमेशा तक रहता है, जो जल्दी आता है वो जल्दी चला भी तो जाता है, इसलिए दरबार में जल्दी नहीं, समय लगेगा, डलिए रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। समय लगेगा लेकिन चिंता मत करो, ये समय जो तुम्हारा यहां बीत रहा है ये व्यर्थ नहीं बीतेगा, क्योंकि यहां पर जो मीटर चल रहा है, जब से तुम बागेश्वर धाम आए मीटर चल रहा है, मीटर में रीडिंग हो रही है और बालाजी के चरणों में तुम्हारी रीडिंग होकर के ये निश्चित हो रहा है कि अब तुम चिंता ना करो, दुख के दिन तुम्हारे अब ज्यादा नहीं रहे। दूसरी बात, धाम पर जाया क्यों जाता है, हनुमान जी तो सब जगह है, जाते ही इसीलिए है कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय गुरु चरणों में बालाजी के चरणों में व्यतीत होगा, भजन होगा, भजन होगा तो पाप कटेंगे, पाप कटेंगे तो दुख मिटेगा, दुख मिटेगा तो संकट हर जाएगा और संकट मोचन की जय जयकार हो जाएगी। इसीलिए बार बार नियम का पालन, बार बार पेशी करना, बालाजी के चरणों में डले रहना। देखो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, देर लगती, अंधेर तो नहीं होता। अब आज देर इसलिए लगती, हमारी भी मुसीबत है, हम भी का बताएं, अकेले आदमी, भगवान ने हमारा कोई फोटो कॉपी बनाई नहीं, डुप्लीकेट बनाया नहीं, तो हम भी इंसान ही है, हमें पूजा पाठ भी देखनी, यज्ञ भी देखनी, हवन भी देखना, मिस कॉलन वाले आदमी आ जाते उनसे भी मिलना, महात्मा आ जाते उनसे भी मिलना, भोजन भी करना, नियम भी करना। अब आगे को लोगो 24 ही तो घंटा होते हैं, 25 थोड़ी होते, तो समय तो लगता है, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक बात बोले, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, सपने में नहीं बदलेंगे। थोड़ा घड़ी हमारी लेट है, थोड़ा क्यों, 2-3 घंटे ही लेट है, तो आप लोग है ज्यादा लेट, तुम्हारी ट्रेन छूट गई, हमारा तो घर छूट गया। सुनो तुम्हें पद पर बैठाया है तो हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, नहीं, लेकिन तुम आओ, पुलिस लेकर आओ, पद लेकर आओ, लेकिन कृपा करके आना, भीड़ में तुम्हें नहीं भी मिलना तो कम से कम 2 दिन का इंतजार करना, तुम्हारा भी मान रह जाएगा, हमारा भी मान रह जाएगा। और जिनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने चुना है, जिनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने कृपा दी है, जिनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने सिद्धि दी है, जिनके लिए मार्गदर्शन देने के लिए हम पर कृपा हुई है, हम उनके काम भी आ पाएंगे।
लेकिन हद हो गई इस भारत में। बड़ी भी चतुरता है, बड़ी बेफिजुली है, जिसको नाम लो उसी का मुंह मगोड़ा सा फूल जाता है, उसी का दिमाग खराब हो जाता है, उसे लगने लगता है जैसे उसका अपमान हो गया हो। माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अमीरों के लाखों गुरु हैं, गरीब के तो केवल बागेश्वर बालाजी हैं। और जितने भी यहां बैठे हुए पागल हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, हम तुम्हें हनुमान जी के सामने वचन देते हैं, हमारे पास जितनी चूड़न चटनी या कृपा है, हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें आपते भोगनी पड़े, चाहे मुसीबतें भोगनी पड़े, चाहे हमें अपने तन को भी क्यों ना बिगाना पड़े, हम तुमको वचन देते हैं, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, हम नालायक और मूर्ख इंसान है, लेकिन हम जैसे भी है हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे अंदर हनुमान जी को जगा कर मानेंगे। पर्चा बनाने के लिए नहीं आते हैं यहां पर, हम तुम्हें बताने के लिए भी नहीं तुम्हें बुलाते, हम तुम्हें नजदीक सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि बालाजी होते कि नहीं। तुम्हारा पर्चा इसलिए हम बनाते हैं ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए हनुमान जी हैं भी कि नहीं। चमत्कार इसलिए दिखाते ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि भगवान आज भी होता है। बाकी तो सच पूछो, बाकी तो तुम अगर हमसे सच जानो तो हम हनुमान जी की कसम खा करके कहते हैं, प्रचार से ज्यादा हनुमान जी की चर्चा और बागेश्वर धाम की पेशी करने से कल्याण हो जाता है। बागेश्वर धाम मात्र आने से काम सफल हो जाता है, हनुमान जी का हो जाने से काम सफल हो जाता है। लेकिन अगर मदारी डमरू ना बजाए, जादूगर अगर डमरू ना बजाए, उसका खेल देखने कौन आएगा? वो डमरू बजाता है, लोग घर से निकल आते हैं, खेल वाला आया है, खेल देखते हैं, फिर उसकी पेट पूजा के लिए पैसा देते हैं। अब मेरे पागलो, हम भी अगर चमत्कार ना दिखाए तो तुम आओगे कहां से? तुम दिखाते ही चमत्कार इसलिए कि तुम अपने घरों को छोड़कर एक बार आओ तो हमारे सामने, फिर तो तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम भाग जाओ हमें छोड़कर। और तुम भाग भी जाओगे तो तुम्हारा पीछा हम नहीं छोड़ने वाले यार, भाग लो कहां तक जाओगे, घर ही जाओगे, चला लेना टीवी, हम संस्कार में घुसाएंगे, तुम घर ही जाओगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम तुम्हारे यूट्यूब में घुसाएंगे। भाग जाओ तुम हमसे दूर, हम तुम्हारे फेसबुक पर घुसाएंगे। भाग जाओ तुम हमसे दूर, हम तुम्हारे सपने में भी आएंगे। तो जैसे जादूगर डमरू बजाता है, वैसी पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। और ये अगर हम नहीं दिखाते तो क्या तुम आते? नहीं आते, डले होते घर पर। और हम चाहते हैं अब भारत में तांत्रिकों की दुकान बंद होनी चाहिए, हम चाहते हैं अब इस भारत में हली उल्लाह वालों की दुकान बंद होनी चाहिए, गठरी दोनों बदनी चाहिए। अब भारत में केवल वीर बजरंग बलि की चलेगी, रहा भारत में रहना होगा तो सीताराम ही करना होगा, नहीं छोड़ा जाएगा। और हम ये भी कह सकते, तुम्हें जिनको बुरा लग रहा हो तो मलहम लगा लेना, आई एम नो सॉरी, हम कोई क्षमा नहीं मांगेंगे क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। और लोगों को हमारी बातें इसीलिए बुरी लगती है, बुरा मत मानना, एक बात बोल सकते हैं, हमारी बातों को सुनने वाले लोगों, हम बागेश्वर धाम को मानने वाले लोगों, या तो तुम बागेश्वर धाम से प्रेम करोगे या नफरत करोगे, इग्नोर नहीं तुम कर सकते हो।